नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। सबसे पहले क्लाउन टाइम्स के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त मैं हूं नाटिमली भरत मिलाप मैदान में, जहां आप देख सकते हैं नाटिमली के मैदान में अस्थायी पटाखों की 40 से अधिक दुकानें लगी हुई हैं। इस वक्त हम हैं नाटिमली पुलिस चौकी के सामने। आइए हम देखते हैं यहाँ पर कुल कितनी दुकानें लगी हुई हैं। 21 22 23 34 35 34 35 36 37 38 45 40 41 42 42। आइए यहाँ खरीदारी करने वाले ग्राहकों से बात करते हैं कि इस बार पटाखों का दाम कैसा है और कैसे मनेगी दिवाली। आप भी खरीदारी दाम वाम ठीक ही है भाई। 3 दिन का लाइसेंस आदमी को मिलता है, उस हिसाब से आदमी सेल करता है जो जितने का है 3 दिन में। और दूसरी बात, खरीदारी कर लिया? हाँ, खरीदारी कर लिया, बच्चे खुश भी हैं। ये अनूप जी हैं पटाखा कारोबारी, आइए इनसे बात करते हैं कि इस बार का मार्केट कैसा। अनूप जी, दो दो बड़े कारोबारियों के यहाँ छापा पड़ा, एक तो हिंदुस्तान फायरवर्क्स बंद हो गया और मोटवानी जी का पूरा GST का छापा पड़ गया, तो आप लोग पटाखे की आमद आपकी कहाँ से हो रही है? बस ऐसा है कि हम लोग बहुत पहले लिया हुआ था, इसीलिए हम लोग बहुत बचा हुआ था। इस बार मार्केट का भाव वगैरह कैसा? बहुत महंगा सुन रहा पटाखा बिक रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पटाखा रेट जो अगले साल था वो इस बार भी है, बस हम लोग महंगा थोड़ा दुकान पड़ जाता है। 40,000 दुकान का देना होता है। कितना देना होता है दुकान का किराया? 40,000। कौन लेता है किराया? लगवाता है दुकान। कौन लगवाते हैं? यहाँ का होते हैं अंडर में, जिसके अंडर में होता है कमेटी, वो लगवाते हैं। कि आपको पटाखे की सप्लाई किसने दिया है? मोटवानी जी ने दिया क्या, किसी और ने दिया? नहीं, मोटवानी जी ने दिया। मैडम, खरीदारी कैसी हो रही है पटाखे की? बहुत अच्छी हो रही है। मैंने दाम वगैरह बहुत महंगा है या सामान्य दाम है? नहीं, सामान्य है, सब दाम तो सही है। मतलब महंगाई नहीं है कुछ? नहीं नहीं, महंगाई नहीं है। और लोग कमाए तो रहे तो महंगाई तो होगी। मैडम, बनारस के दो बड़े पटाखा कारोबार हिंदुस्तान फायरवर्क्स मोटवानी सब के छापे पड़ गए हैं, तो पटाखों की खरीद आपने कहाँ से किया? और सुना मार्केट में हम तो जानना चाहेंगे भाई, पटाखे और कहाँ से आप लोग खरीद करेंगे? देखिए, जिन्हें कैमरे से बात करने में थोड़ा हिचकिचाहट महसूस हो रही है, आइए दूसरे और दुकानदार से बात करते हैं कि किस तरह की यहाँ पे बिक्री हो रही है। और बनारस के दो बड़े कारोबारी हिंदुस्तान फायरवर्क्स और मोटवानी दोनों के यहाँ छापा पड़ गया, तो पटाखों की खरीद आप कहाँ से कर रहे हैं? और ग्रीन पटाखे आपके यहाँ बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं? ग्रीन तो नहीं बिक रहा है, और पटाखा तो पहले हर जगह मिल रहा है, दिल्ली में वो बेच रहे हैं, मोटवानी बेच रहे हैं, वो भी बेच रहे हैं, बस यही दोनों लोग बेच रहे हैं। आप नहीं बेच रहे हैं? आप नहीं बिक रहा है, बंद हो गया है। तो ग्रीन पटाखे आपके पास नहीं है? नहीं है। बिक्री तो ग्रीन पटाखों की जानी है ना, ये और पटाखे तो बिक नहीं सकते, केवल ग्रीन पटाखा नहीं बिक रहा है। पटाखा का कितनी बार नहीं जना रहा है, दुकानदार रो रहे हैं, बैठ रहे हैं। आपका नाम क्या है? नाम लाल बाबू प्रजापति है। अच्छा, दुकान यहाँ लेने में कितना खर्चा आपको लगा है? खर्चा भैया जो मैक्सिमम होता है वो हो हुआ है। अरे लगभग कुछ दाम जैसे लोगों ने बताया, इसका खर्चा देने वाला मालिक लेने वाला मालिक कोई और लोग है, हम लोग यहाँ पे अपना सामान लगा के बेचने वाले हैं बस।
अच्छा, इस बार जो बड़े दो कारोबारी थे हिंदुस्तान फायर्स मोटवानी, इन लोगों का छापा पड़ गया, तो पटाखे आप लोग लाए कहाँ से? यार पटाखा जो है कुछ मार्केट में रेडीमेड मिल गया, कुछ जो है अपना पहले का इधर उधर से। ऐसे पटाखा जैसे बिकता नहीं भाई, किसी एक जेन्युइन दुकान से आपको खरीदना पड़ता होगा ना भाई, ऐसे तो आप कहीं खरीद नहीं सकते। तो वो दुकान कौन सी जहाँ से आपने लिया है? भैया ये माल कोई याऊ ले आया है, हम वहाँ पे बैठ के बेच रहे हैं बस। देखिए दुकानदार का कहना है कि ये दुकान कितने मिला ये भी नहीं बता पा रहे हैं, और पटाखा कहाँ से खरीदा ये भी नहीं पता है। कुल मिला के सब कुछ गड़बड़ झाला लग रहा है ना? नहीं गड़बड़ झाला है भैया, नेताजी समझावा भैया, नेताजी आके मजाक मत करिए। ये लाइसेंस आपको दिया गया है, आपको पटाखा खरीद के बेचना है, आपका बिल वाउचर कुछ होगा, कहाँ से लिया आपने? ऐसा है महोदय कि जो जिसका दुकान है वो अभी, किसकी दुकान है ये? वो अभी है नहीं बड़े भाई। नाम उनका क्या है? नाम बताइए दुकानदार का नाम बताइए ना। गोपाल चौरसिया की दुकान है। देखिए ये गोपाल चौरसिया की दुकान है, ये बेचने वाले पता भी नहीं किसकी दुकान है, काफी कुरेदने पर आप बता रहे हैं गोपाल चौरसिया की दुकान। चलिए हम लोग यहाँ पे कार्यकर्ता, लोग काम करने वाले कर्मचारी हैं। पटाखे के जो बड़े कारोबारी हैं मोटवानी हैं हिंदुस्तान, दोनों के यहाँ छापे पड़ गए, तो आप पटाखा लहाए कहाँ से? ऐसा है तो वहाँ से मोटवानी से यहाँ से लाए हैं। अभी पटाखे की कीमत कुछ महंगी है इस बार की? महंगी तो हर साल होता है, कम से कम 10% 15% बढ़ा के ही मिलता है। ग्रीन पटाखे आपके पास है? नहीं, जो ग्रीन पटाखे बिक सकते हैं उसके अलावा कोई पटाखा बिकता नहीं? तो ग्रीन ये जो सब कंपनी का रहता है वही लोकल नहीं बिकता है। अच्छा, ये दुकान लेने में आपको कितना खर्चा देना पड़ता है, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? वो तो भाई दुकान का भाड़ा कितना है वो? लगभग कम 20,000 रुपया लगता है। हाँ, कौन लेता है ये पैसा? ये यहाँ के जो है मेंबर उम्बर उन्हें लोग कर। पटाखे की? अरे बहुत महंगाई है, 10 से 4 गुना है इस बार। काहे ऐसा हो रहा? अब क्या बताया जाए, सुनिए। कितने पटाखे खरीद चुके आप तक? अभी तक लिए 70-80 हज़ार का आया होगा, 70-80 हज़ार। मैं आपका हिमांशु गुप्ता। अच्छा हिमांशु जी, दो बड़े कारोबारियों के दुकानें सील हो गई हैं, तो पटाखे आप खरीदे किससे हैं? एक मोटवानी थे, दूसरे आपके हिंदुस्तान वाले। जी मोटवानी से खरीदे थे हम लोग। अच्छा, तो इस बार भाव महंगा है क्या? हाँ कुछ तो महंगा है पहले से। लेने में आपको क्या खर्चा देना पड़ा है? 15,000-20,000। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।